PMGSY4 में इन्होंने डाल दिया है, वो अच्छी बात है, हम लोग भी उसको फॉलो करेंगे। और 1000 से ज्यादा वोटर हैं तो पॉपुलेशन का डेटा अगर कोई गलत है तो हम उसका करेक्शन भी भेज देंगे। PMGSY टीम से गुजारिश है कि हमको एक लेटर लिखते हैं इसके बारे में, तो हम लोग उसका आपको जस्टिफिकेशन भेज देंगे, है ना। उसके साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा गांव वालों को, क्योंकि देखो मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि अगर हम चाहें तो कुछ भी पॉसिबल है, अगर हम चाहें तो कुछ भी मुमकिन है। मैं पाडर में गया, पाडर में आपके जैसा इलाका था, उस इलाके में एक गांव था आपका जहां पूरी पर समय बर्फ पड़ी रहती है, वहां पे गांव वालों ने मनरेगा से 2.5 किलोमीटर का रास्ता सड़क बना दी। और आज की तारीख में जब उन्होंने सड़क बनाई तो हमको भी बुलाया, तो हमने इनॉग्रेशन किया, तो XCNPWD का इतना इम्प्रेस हो गया, उसने बोला सर हम इसको इसी साल के बजट में रख लेते हैं, हम लोग इसको बना देंगे। तो PMGSY4 सड़क जब तक आए ना आए, मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है अगर हमारे पास इधर जमीन है अवेलेबल तो कम से कम एक प्रॉपर रास्ता तो गांव के आने तक का आप लोग बना लें। हम लोगों से अगर कोई बल पड़ा, हम लोग अपने अनटाइड फंड से, CD पंचायत के फंड से, उसमें फुटपाथिंग का और बाकी चीजों का प्रोविजन रख देंगे, ताकि क्योंकि देखो ये सच्चाई है कि सड़क को बनने में 2024-2025 तो लग जाएगा। आज एक दिन में तो सड़क बनने से रही, इमीडिएट 1-2 महीने में भी बनने से रही। तो हम लोगों ने इनके लिए जो अभी ट्यूशन चल रहा है उससे इनको शुरुआत करानी है, और बाद में इनके लिए ओपन कोर्सेस गांव में कोर्सेस कंटिन्यू रखने हैं, ताकि अगर ये लोग गांव में काम भी करते हैं, लेबर लॉ के हिसाब से 14 साल से ऊपर का कोई भी लड़का काम कर सकता है, लेबर कर सकता है, उसको हम नहीं रोकेंगे। हम रोकते हैं 14 साल से नीचे वाले। 14 साल से ऊपर वाले के लिए मेरी एक ही हिदायत ये रहेगी कि उस बच्चे को आप घर बैठे भी पढ़ाई पूरी करा सकते हैं। उस पढ़ाई से क्या फायदा होगा और उस पढ़ाई का खर्चा हम लोग देंगे, ओपन कोर्स जो होगा वो हम देंगे। उस पढ़ाई से क्या फायदा होगा, आज की तारीख में आपको कहीं भी किसी सरकारी पोस्ट पे लगना है, किसी भी है, जो आजकल आपका मनरेगा में अटेंडेंस का सिस्टम चालू हुआ है, सब चीजों में पढ़ाई की जरूरत है। तो जो बच्चा अभी तालीम लेगा उसको कहीं ना कहीं आगे जाके फायदा देगा, और आपको भी जो आप उससे दिन में काम कराना चाहते हो आपको भी कोई मुश्किलात नहीं होगी। रही बात छोटी उम्र के बच्चे की, जो बच्चा 10 साल तक का है, उस बच्चे को आप अप्रैल के महीने में, अभी आने वाला है फरवरी चल रही है, 2 महीने में हमारे जो टीचर लोग ट्रेंड हुए हैं, 2 महीने में ये बच्चे को तैयार कर देंगे स्कूल वापस ज्वाइन करने को। उसके बाद बच्चे को स्कूल लगातार आप लोगों ने भेजना है। जब आप लोग धोखे में जाते हो दो तरीके हैं, सबसे अच्छा तो यही होगा कि भाई अपने किसी रिश्तेदार के यहां छोड़ जाओ, धोखे में जाने की जरूरत बच्चे को ना पड़े। अगर जाना भी पड़ रहा है तो हम जो आपके मोबाइल टीचर जाते हैं, जो गांव के ही लड़के होते हैं पढ़े लिखे मोबाइल टीचर, हम आपके फिर से पूरा रिव्यू कर रहे हैं, उसमें ऐसे लड़कों को भेजेंगे जिनको पढ़ना लिखाना आता है। और जो 4 महीने आप लोग का बच्चा ढोक में रहेगा उसका वो समय जाया ना हो, लेकिन हम लोग जितनी भी कोशिश कर ले, जैसा कि मैंने सबसे शुरुआत में बोला, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो हमारे कोशिश से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ढोक पे तो जाके मैं आपसे मिलने से रहा, मैं तो नहीं पूछने आऊंगा कि भाई बताओ आपका लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उस समय तो आप ही लोग खुद देख रहे हो। तो आप अपने बच्चे के खुद जिम्मेदार हो। हमारा काम आपको एक लेवल तक मदद करने का है, उसके बाद गाड़ी आपके हाथों में। जब आप ढोक से वापस आते हो तब बच्चे ने स्कूल में वापस पढ़ाई पूरी तरह शुरू कर देनी है, जैसे अप्रैल के महीने में शुरू करी थी।
कौन से महीने में जाते हैं यहाँ पे डॉक्टर? मई में सर। मई में जाते हैं, तो अप्रैल का पूरा महीना रहेगा। पहले एक महीने बच्चे को पूरी तैयारी करवा देनी है कि भाई नॉर्मल पढ़ाई शुरू हो गई उसकी, और टीचर ने भी उसको अप्रैल में ऐसे ही करना है जैसे मान लो समर हॉलीडेज पे भेजने से पहले टीचर करता है कि भाई ये आपका होमवर्क रहा, अगले 2-3-4 महीने आप बाहर हैं। और मोबाइल टीचर को स्कूल बुला लेना है। कुछ बातें थी, लेबर कमिश्नर का 4,000-5,000 साल का मैंने आपको बता ही दिया। जिन जिन का बच्चा घर जाए, घर से स्कूल जाएगा उसको ये मिलेगा। अभी आप लोगों ने बाकी जो मीटिंग का एजेंडा है, अगर कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बीडीसी मैडम, सरपंच साहिबान, कुछ लोगों ने अपनी बातें रखनी है रख लीजिए, हम लोग एक स्कूल का भी मुआयना कर लेंगे, उसके बाद कुछ बच्चों से भी मुखातिब बोलेंगे, मिल लेंगे, और टीचर लोगों से भी इंटरेक्शन कर लेंगे। और आप सबने आज इधर इतने अच्छे नंबर में, तादाद में आप लोग आए, उसके लिए शुक्रिया। और मेरे को उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। धन्यवाद। जय।